नथिंग इंडिया में अपने ब्रांड को एक्सपैंड करने के लिए बैक टू बैक नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि नथिंग उन गैजेट्स पर फोकस कर रही है जो कि इंडियन यूजर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा सूटेबल है। जैसे नथिंग ने पहले कुछ गैजेट्स लॉन्च किए थे जो कि मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में आते थे, लेकिन अब जो नथिंग नए गैजेट्स लेकर आने वाली है वो बजट सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस्ड है। तो नथिंग ने अनाउंस किया है इंडिया में अपना एक नया प्ले डेट इवेंट जो अप्रैल 18 को होस्ट होगा, और इस इवेंट में कंपनी अपने नए फ़ोन लॉन्च कर सकती है, नए ईयरबड्स लॉन्च कर सकती है। सो जैसे तो ये ऑडियो प्रोडक्ट कंपनी है, सबसे पहले फोकस रहता है कंपनी का ईयरबड्स पे। सो आपको याद होगा नथिंग ईयर 1 लॉन्च हुए थे, नथिंग ईयर 2 लॉन्च हुए थे, बहुत पॉपुलर हुए थे। उसके बाद अब रूमर्स आ रहे हैं कि जल्द ही कंपनी नथिंग ईयर 3 लॉन्च कर सकती है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा अपडेट है। कंपनी ने एक नया टीजर जारी किया है, कंपनी ने नए एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है कि कंपनी एक नए नथिंग ईयर का ए वर्जन लेकर आने वाली है। जैसे आपको याद होगा अभी हाल ही में कंपनी ने नथिंग फोन 2A लॉन्च किया था, तो उसी से कुछ रिजेंबल होता हुआ ये माना जा रहा है कि नथिंग ईयर ए लॉन्च होने वाले हैं और कंपनी अपने ऑफिशियल लॉन्च इवेंट में इन्हें रिवील करेगी। सो ये जो ईयरबड्स हैं इनमें ऑडियो क्वालिटी को अपग्रेड किया जाएगा, बेटर फीचर्स मिलेंगे, लेकिन अच्छी बात ये है कि जो ए लग जाता है ना आगे, मतलब यानी कि बजट प्राइस में आ सकते हैं। जैसे जो नथिंग ईयर सीरीज़ है वो फ्लैगशिप सीरीज़ है जो मेजरली 10 से 11 12 हज़ार रुपये तक के प्राइस सेगमेंट में आती है, लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी इसको 10,000 से कम के प्राइस पॉइंट में लॉन्च कर सकती है और एक अफोर्डेबल फ्लैगशिप ईयरबड्स होंगे नथिंग के। सो अब देख लेते हैं और क्या क्या नथिंग ईयर ए में नया मिलेगा, क्या क्या नए फीचर्स मिलेंगे। सो नथिंग ईयर ए में आपको एक बेटर अपग्रेडेड ऑडियो क्वालिटी मिलेगी, एक इम्प्रूव्ड नॉइस कैंसिलेशन मिलेगा, साथ ही इसमें जेस्चर बेस्ड कंट्रोल्स भी मिल सकते हैं। तो जेस्चर बेस्ड आप समझ सकते हैं कि जैसे ईयरबड का जो आउटर सरफेस होता है उस पर कुछ जेस्चर कंट्रोल्स दिए जाते हैं, जिससे आप वॉल्यूम, प्लेबैक ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कुछ नए इम्प्रोवाइज फीचर्स के साथ आपको नथिंग ईयर ए में देखने के लिए मिल सकता है। तो कुछ ना डिज़ाइंस और लीक्स भी सामने आए, तो ये बिल्कुल ये अभी ऑफिशियल डिज़ाइन नहीं है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस टाइप का डिज़ाइन हो सकता है। और फीचर्स भी अभी बहुत ज़्यादा फीचर्स आउट नहीं हुए हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था नथिंग ईयर 3 का, तो मैं आपको जो उसका वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो आप नथिंग ईयर 3 के फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन जो ये नथिंग ईयर ए है ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है क्योंकि अपने प्राइस पॉइंट की वजह से। तो कुछ जो लीक प्राइस के इन्फॉर्मेशन सामने आई उससे माना जा रहा है कि नथिंग ईयर 3 को पहले की कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा प्राइस पॉइंट में लॉन्च किया जा सकता है और इसका प्राइस पॉइंट कुछ 11,000 के आसपास होगा, और वही नथिंग ईयर ए को 7,000 रुपये में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि ये रूमर्ड प्राइस है, अभी कंफर्मेशन प्राइस नहीं आया है कंपनी के साइड से, लेकिन अप्रैल 18 को ये ऑफिशियल हो जाएगा कि एक्चुअली में इन प्रोडक्ट्स का प्राइस क्या होने वाला है। अब देखना ये है कि दोनों ही TWS ईयरबड्स जो कि वायरलेस ईयरबड्स हैं, इनमें और क्या बेटर फीचर्स दिए जाएंगे, क्या नए अपग्रेड्स दिए जाएंगे, क्या एक्चुअल प्राइस होगा। सो ये सारी जो मैंने आपको डिटेल्स बताई ये थी नथिंग ईयर ए की। इसके अलावा नथिंग फ़ोन 3 भी कंपनी ऑफिशियल कर सकती है। तो पिछले साल जो लॉन्च हुआ था नथिंग फ़ोन 2, उसका अपग्रेडेड वर्जन होगा नथिंग फ़ोन 3। सो मैंने नथिंग फ़ोन 3 पर भी एक वीडियो क्रिएट किया है, अगर आप नथिंग फ़ोन 3 के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, वहाँ से आप इस फ़ोन की सारी जो लीक्ड इन्फॉर्मेशन है उसे चेक कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया नथिंग फ़ोन 2A के बारे में, आपको क्या लगता है कि जब नथिंग प्राइस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी तो क्या फीचर्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है? तो आपको क्या लगता है कि नथिंग ईयर 3 के आगे क्या यूज़र्स नथिंग ईयर ए को प्रेफर करेंगे? सो अपना एक ओपिनियन हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।